कहानी की स्टार्टिंग में सॉन्गवी को दिखाया जाता है जो कि अपने एजेंट के साथ बार में जाती है वहाँ पे एक डायरेक्टर से मिलने के लिए। वो उसे बताती है कि 3 साल पहले मैंने एक शो किया था, मैं अब आपके साथ नए शो में काम करना चाहती हूँ। डायरेक्टर यहाँ पे काफ़ी गौर से उसे देखता है और कहने लगता है पहले तुम्हें डांस करना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें चांस दूंगा। यहाँ पे वो अपना फ़ोन खोल के बैठ जाता है उसकी वीडियो बनाने के लिए। सॉन्गवी यहाँ पे डांस करने को तैयार नहीं होती है तो उसका एजेंट उसे एक ग्लास पानी देता है जिसमें उसने कुछ मिक्स किया होता है। कहता है कि नर्वस फील मत करो, सिर्फ डांस ही तो करना है। सॉन्गवी जैसे ही उस पानी को पी लेती है तो उसे फिर नशा होने लगता है। वो समझ जाती है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है, इसलिए वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो डायरेक्टर और बाकी लोग उसे घेर लेते हैं। डायरेक्टर यहाँ पे कहने लगता है कि तुम हीट यांग कंपनी के साथ काम करना चाहती हो, तुम्हें पता नहीं है क्या हमारे बॉस के बारे में? हमारे बॉस हमेशा उन लड़कियों को काम देते हैं जो उनके साथ बिस्तर शेयर करती है। वो यहाँ पे कुछ ऐसी घटिया बातें सॉन्गवी से कहने लगते हैं और उसे टच करने लगते हैं, यानी कि वो घटिया सा डायरेक्टर यहाँ पे उसकी इस सिचुएशन का पूरा फायदा उठाने को तैयार होता है और एजेंट भी इस चीज़ में उसके साथ मिला होता है। सॉन्गवी यहाँ पे अपनी जान बचाने के लिए उस डायरेक्टर के सर में एक बोतल दे मारती है और वहाँ से भागने लगती है। यहाँ पे वो डायरेक्टर चिल्लाता है और कहता है कि उस लड़की को पकड़ के लाओ। सॉन्गवी जैसे तैसे करके उस बार से बाहर आ जाती है जहाँ पर वो मिस्टर टैंग से टकरा जाती है। मिस्टर टैंग जैसे ही सॉन्गवी को देखते हैं तो वो उसे पहचान लेते हैं। तो हमें कुछ समय पहला फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर टैंग को देखते हैं जो कि सॉन्गवी के उस शॉर्ट ड्रामे को ही देख रहे होते हैं। वो उसके काफ़ी बड़े फैन होते हैं इसलिए उसकी एक्टिंग को काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उनके पास एक बटलर आता है और कहता है बॉस आपकी फ़्लाइट का टाइम हो गया है, 5 साल हो गए हैं, आप वापस नहीं गए हैं, अब आपको वापस जाना होगा और सारे काम को हैंडल करना होगा। जिसके बाद अपनी फ़्लाइट लेने के लिए निकल पड़ता है मिस्टर टैंग। जब वो एयरपोर्ट पर पहुँचता है तो उसे बताया जाता है कि कोई उसे रिसीव करने आएगा। वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो कि सभी को कार लेने के लिए कह रहे होते हैं, यानी कि टैक्सी। उन्हीं में से एक पर्सन जाके मिस्टर टैंग को बॉस कहकर बुलाता है और कार में बैठने के लिए कहता है। टैंग को लगता है कि शायद यही वो ड्राइवर है जो उसे रिसीव करने आया है, इसलिए वो उनकी कार में बैठ जाता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो लोग मिस्टर टैंग को लूट लेते हैं और कार से बाहर फेंक देते हैं, इसलिए फिलहाल वो इस कंडीशन में रहते हैं। सॉन्गवी यहाँ पे मिस्टर टैंग से कहने लगती है प्लीज़ मेरी मदद करें। तभी भागते हुए पीछे गार्ड और उसका एजेंट आ जाता है जो कि सॉन्गवी को वापस चलने के लिए कहता है, पर सॉन्गवी रोते हुए कहती है कि मैं ये काम नहीं करूँगी, मैं नहीं जाने वाली हूँ। उसका एजेंट कहता है कि तुम पागल हो गई हो, अगर तुम उनके साथ कुछ समय बिता लोगी तो क्या होता है, तुम्हें बहुत सारे ड्रामेज में काम मिल जाएगा, हो सकता है कोई मूवी भी मिल जाए। सॉन्गवी यहाँ पे उससे कहती है अगर ऐसा है ना तो तुम ही जाके उसके साथ समय बिताओ, बट मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। यहाँ पे वो मिस्टर टैंग से मदद मांगती है। सॉन्गवी का एजेंट उसे ज़बरदस्ती खींचने लगता है तो टैंग उसे रोक देता है और कहता है ये तुम्हारे साथ जाने से मना कर रही है ना, तो तुम इसे हाथ नहीं लगा सकते हो। यहाँ पे उसका एजेंट कहता है तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले, मैं इसका एजेंट हूँ। तभी सॉन्गवी कहती है कि आज से मैं तुम्हें अपना एजेंट नहीं मानती हूँ, आज से मेरा एजेंट ये पर्सन रहने वाला है। वो यहाँ पे मिस्टर टैंग से ऐसे कह देती है तो टैंग भी उस एजेंट को डांटता है और कहता है अगर अब तुमने इन्हें परेशान किया तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगा, कल फिर तुम्हारी मुलाकात लॉयर से होगी जिसे मैं भेजने वाला हूँ। ये सुन के वो एजेंट भी रुक जाता है। वहाँ से ले आता है सॉन्गवी को अपने साथ मिस्टर टैंग। सॉन्गवी यहाँ पे बीच रास्ते में रुककर मिस्टर टैंग को थैंक्स कहने लगती है मदद के लिए। उसके बाद वो उनसे कहते कि वैसे तो मैं हर चीज़ के लिए पहले से ही तैयार रहती थी, पर इस बार मेरे एजेंट ने ही मुझे धोखा दे दिया। वो यहाँ पे अपने सारे बैग के सामान को नीचे गिराती है जिसमें पेपर, स्प्रे, स्टिक वगैरह होती है। मिस्टर टैंग इन चीज़ों को गौर से देखने लगते हैं। सॉन्गवी यहाँ पे मेडिसिन खाती है तो मिस्टर टैंग कहता है तुम कौन सी मेडिसिन खा रही हो। सॉन्गवी यहाँ पे कहती है कि उन्होंने मुझे कुछ पिला दिया था, उसका नशा उतारने के लिए मैं ये मेडिसिन खा रही हूँ। ये बात सुन के मिस्टर टैंग काफ़ी शॉक होते हैं। सॉन्गवी कहने लगती है वैसे तुम्हारा नाम क्या है। मिस्टर टैंग यहाँ पे उसे अपना नाम बता देते हैं। सॉन्गवी कहती है कि मुझे ना फिलहाल जाना होगा। वो यहाँ पे देखती है कि उनके पास कोई कपड़े नहीं है, सिर्फ उन्होंने इनर पहना होता है, तो इसलिए वो उन्हें अपना एक जैकेट दे देती है ये कहकर कि काफ़ी मौसम ठंडा है, आपको इसे अपने पास रखना चाहिए। साथ में वो टैंग से कहती है क्या तुम सच में मेरा एजेंट बनना चाहोगे, मैं चाहूँगी कि तुम मेरा एजेंट बन जाओ। यहाँ पे मिस्टर टैंग कहते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बन जाऊँगा। सॉन्गवी कहती है ठीक है कल हम लोग मिलते हैं क्योंकि कल मुझे ऑडिशन देने जाना है, अगर मेरा एजेंट मेरे साथ नहीं जाएगा तो वो मुझे ऑडिशन नहीं देने देंगे। टैंग यहाँ पे उसे मिलने का वादा कर देता है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है सॉन्गवी को जो कि ऑडिशन देने के लिए जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे उसका पुराना एजेंट एक नई लड़की नियान को लेकर आ जाता है। वो यहाँ पे सॉन्गवी से कहने लगता है कि तुम्हारा चांस नहीं है क्योंकि मैं अब इसे एक अच्छी स्टार बनाऊंगा। सॉन्गवी यहाँ पे अपने एजेंट का वेट कर रही होती है यानी कि मिस्टर टियांग का, लेकिन वो अभी तक वहाँ पे नहीं पहुँचा होता है। दूसरी तरफ मिस्टर टियांग को देखते हैं जो कि अपनी मीटिंग्स में बिजी रहते हैं। उनका असिस्टेंट उन्हें एक और मीटिंग अटेंड करने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही उन्हें टाइम का पता चलता है तो उन्हें सॉन्गवी का ख्याल आता है।
इसलिए वो असिस्टेंट से कहते हैं कि सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, मुझे कहीं और जाना है। अब वो तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ते हैं। यहाँ पे जो होती है सॉन्ग वी, वो काफ़ी समय तक टैंक का वेट करती है, टैंक नहीं आता है। ये देखकर नियान और उसका पुराना एजेंट उसका मजाक उड़ाने लगता है कि जब तुम्हारे पास कोई एजेंट ही नहीं है तो तुम यहाँ पे रह के क्या करोगी, क्योंकि बिना एजेंट के तो तुम्हें ऑडिशन देने की परमिशन है नहीं। तभी वहाँ पे मिस्टर ट्यांग भागते हुए आ जाते हैं। उसे देखकर सॉन्ग वी का पुराना एजेंट कहने लगता है, अच्छा तो तुमने सड़क से इस पर्सन को उठा लिया है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी को भी उठा के अपना एजेंट बना लोगी तो तुम्हारा काम हो जाएगा क्या? यहाँ पे कहने लगता है ट्यांग कि तुम ज़्यादा मत बोलो और अपने काम पे फोकस करो। वो यहाँ पे सॉन्ग वी से कहता है, सॉरी मुझे आने में देर हो गई। सॉन्ग वी कहती है, कोई बात नहीं, फिर भी तुम समय से आ गए हो। यहाँ पे मिस्टर ट्यांग उसका हौसला बढ़ाते हैं और कहते हैं, तुम ऑडिशन देने जाओ, मुझे उम्मीद है कि तुम पक्का अच्छे से ऑडिशन दोगी। उसके बाद देखते हैं सॉन्ग वी को जो कि ऑडिशन दे रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे वो ठरकी डायरेक्टर आ जाता है और कहने लगता है, ब्यूटीफुल गर्ल कल तो तुम भाग आई थी लेकिन आज कहाँ जाओगी, अगर तुम्हें ड्रामे में काम करना है तो मेरे हिसाब से ही करना होगा। वो यहाँ पे उसे ऐसे कह के टच करने लगते हैं। सॉन्ग भी पहले तो थोड़ा बर्दाश्त करती है ये सोचकर कि फिलहाल उसे पैसे की ज़रूरत है और साथ में अब उसने एक नया एजेंट रखा है टोंग को, तो उसे भी पैसे देने होंगे। लेकिन यहाँ पे वो डायरेक्टर उसे ज़्यादा टच करने लगता है। यहाँ पे सॉन्ग वी से बर्दाश्त नहीं होता है, वो उसे फिर से पीटने लगती है और कहती है कि मैं कोई काम नहीं करने वाली हूँ। वो वहाँ से जाने लगती है तो वो डायरेक्टर चिल्ला के कहता है, मैं भी देखता हूँ कि अब तुम्हें कोई और काम कैसे देता है, मैं तुम्हें पूरी इंडस्ट्री में बैन करवा दूंगा। वहाँ से इमोशनल होकर बाहर निकल आती है सॉन्ग वी। बाहर देखते हैं मिस्टर टैंग को जो कि अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहते हैं कि इस ड्रामे के डायरेक्टर को चेंज कर दिया जाए और साथ में इस ड्रामे के बजट को बढ़ा दिया जाए। ये बात सुनके यहाँ पे असिस्टेंट थोड़ा शॉक होता है। उसके बाद देखते हैं वहीं पे एक पर्सन स्वीट पोटैटो सेल कर रहा होता है। उन्हें देखकर मिस्टर टैंग का खाने का मन करता है, इसलिए वो उस पर्सन से खरीदने लगते हैं। लेकिन उनके पास कैश नहीं होता है, इसलिए वो कार्ड से पेमेंट करने की बात कहते हैं, बट वो पर्सन उन पर गुस्सा करने लगता है और कहता है, क्या तुम मुझे इस प्लास्टिक के कार्ड को दिखा के पागल बना रहे हो, मुझे कैश चाहिए वरना मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला हूँ। तभी वहाँ पे सॉन्ग भी आ जाती है। वो ये देखती है तो वो अपने पॉकेट से कुछ पैसे निकालती है, बट उसके पास भी पैसे कम होते हैं। वो यहाँ पे मिस्टर टैंग की तरफ देखती है और समझ जाती है कि फिलहाल इन्हें भूख लगी है, शायद ये इतने गरीब है कि कुछ खा भी नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे मिस्टर टैंग भी उसकी तरफ हाँ में सर हिला देते हैं कि हाँ काफ़ी भूख लगी है, कुछ खाया नहीं है, वो तो मीटिंग्स में बिजी होते हैं इसलिए खाना नहीं खा पाए थे। लेकिन यहाँ पे उन्हें काफ़ी गरीब समझने लगती है सॉन्ग भी। सॉन्ग भी यहाँ पे स्वीट पोटैटो खरीदने के लिए अपने हाथ के ब्रेसलेट को निकाल के उस पर्सन को देने लगती है, तो मिस्टर टैंग उसे ऐसा करने से रोकते हैं, बट सॉन्ग भी कहती है कोई बात नहीं, मैं ऐसा दूसरा खरीद लूँगी। उसके बाद यहाँ पे वो लोग स्वीट पोटैटो बैठ के खाने लगते हैं। सॉन्ग भी यहाँ पे देखती है मिस्टर टैंग को कि उन्होंने तो उसे छीला भी नहीं है और वो उसे ऐसे ही खा रहे हैं, तो वो पहले हंसती है और उसके बाद सोचती है कि शायद ये इतने गरीब है कि इन्होंने कभी इसे खाया ही नहीं है, इसलिए ये नहीं जानते हैं कि इसे छीलना भी होता है। वो मिस्टर टैंग से कहती है कि इसे ऐसे नहीं खाते हैं, लाइए मैं हेल्प करती हूँ। वो यहाँ पे उसे छील के देती है और फिर कहती है कि आप अब इसे खाइए। ये देखकर मिस्टर टैंग काफ़ी इंप्रेस होते हैं कि ये लड़की मेरा कितना ध्यान रख रही है, सच में ये बहुत अच्छी है। तभी यहाँ पे सॉन्ग वी के फ़ोन पे एक मैसेज आता है जिससे उसे पता चलता है कि इस ड्रामे के डायरेक्टर को चेंज कर दिया गया है। ये देखकर सॉन्ग वी काफ़ी खुश होती है और इस बारे में मिस्टर टैंग को भी बताती है। वो यहाँ पे उन्हें हग करने लगती है और उसके बाद कहती है, अचानक से ये चेंजेस कैसे हो गए? मिस्टर टैंग उसे यहाँ पे अपनी सच्चाई बताने की सोचते हैं, लेकिन तभी कह देती है सॉन्ग वी, चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, काश इस तरीके से उन सारे बेकार लोगों को चेंज कर दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। मिस्टर टैंग उसे पूछने लगते हैं, बताओ तुम और कौन से पर्सन को चेंज करना चाहती हो, क्या पता अगर मैं कुछ मदद कर पाऊँ इसमें। सॉन्ग भी कह देती है, मैं तो इस कंपनी के सीईओ को ही चेंज करना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घटिया पर्सन है, लड़कियों का फ़ायदा उठाता है। ये बात सुन के मिस्टर टैंग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, सॉन्ग भी कहीं तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है, मुझे नहीं लगता कि इस कंपनी का बॉस ऐसा होगा। लेकिन सॉन्ग भी उन्हें सब कुछ बताने लगती है जो उसके साथ हुआ था मिस्टर टैंग के नाम पर, जिसके बाद मिस्टर टैंग चुप हो जाते हैं और उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताते हैं। उसके बाद सॉन्ग वी को उसके घर पे देखते हैं जहाँ पे उसका पुराना एजेंट आ जाता है नियान को लेकर। सॉन्ग वी कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? वो एजेंट कहने लगता है कि ये घर मेरा है और आज से इस घर में तुम नहीं बल्कि नियान रहने वाली है। सॉन्ग वी कहती है, तुम क्या कह रहे हो, बेशक ये घर तुम्हारे नाम है लेकिन इसके लिए सारे पैसे तो मैंने जमा किए थे ना। एजेंट कहता है, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रूफ है? वो दोनों यहाँ पे हंसने लगते हैं। सॉन्ग वी की यहाँ पे जो फेवरेट बुक होती है, यहाँ पे नियान उसके सामने ही उसकी उस बुक को जला देती है और कहती है, तुम कभी भी एक अच्छी एक्ट्रेस नहीं बन पाओगी। यहाँ पे उसका काफ़ी मजाक उड़ाती है और उसे एक दिन का समय देती है घर खाली करने का। उसके बाद देखते हैं सॉन्ग वी को जो कि बारिश में बैठ के रो रही होती है। यहाँ पे उसे उन लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया होता है। तभी वहाँ पे अम्ब्रेला लेकर टैंक पहुँच जाता है।
जहाँ पे सॉन्ग भी उसे हग करती है और काफ़ी रोने लगती है। आगे देखते हैं टैंग उसे अपने घर ले आता है। सॉन्ग भी कहती है, क्या ये तुम्हारा घर है? टैंग यहाँ पे उस घर को देखकर सोच रहा होता है कि असिस्टेंट ने इतना बकवास सा घर ढूंढा है मेरे रहने के लिए। लेकिन जब सॉन्ग भी उस घर को पसंद करती है और खूबसूरत बताती है तो यहाँ पे मिस्टर टैंग भी कुछ नहीं कहते हैं। सॉन्ग भी कहती है कि तुम्हारा घर काफ़ी अच्छा है, मैं कुछ दिन इस घर में रहूँगी लेकिन इसके बदले मैं तुम्हारे घर के सारे काम करूँगी और साथ में तुम्हें रेंट भी दे दूँगी। टैंग यहाँ पे उससे कहता है, जब तक तुम चाहो इस घर में रह सकती हो क्योंकि अब मैं तुम्हारा एजेंट हूँ। ये बात सुन के सॉन्ग भी काफ़ी खुश होती है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है, वो दोनों जब एक दूसरे के साथ टकराते हैं वॉशरूम यूज करने के लिए तो काफ़ी मुस्कुराते रहते हैं। टैंग तो यहाँ पे उस पर पूरा लट्टू रहता है क्योंकि वो उसकी क्रश थी। यहाँ पे वो उसके लिए अपने हाथों से नूडल्स बनाता है जिनकी काफ़ी तारीफ करती है सॉन्ग भी। उसके बाद टैंग उससे कहने लगता है कि तुम आज क्या करने वाली हो? सॉन्ग भी कहती है, कुछ खास नहीं, मैं सोच रही हूँ घर पर ही रहूं। लेकिन असल में वो आज एक इवेंट में जाने की सोच रही थी ताकि उसे उस ड्रामे में चांस मिल सके, लेकिन इस बारे में वो फिलहाल कुछ नहीं बताती है टैंग को। टैंग से वो पूछती है कि तुम क्या करने वाले हो, तो टैंग उसे कह देता है, मैं जाके एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढने वाला हूँ, मेरे फ्रेंड ने एक जॉब के बारे में बताया है। वो भी यहाँ पे उसे झूठ बोल रहा होता है क्योंकि आज वो एक कॉन्फ्रेंस में जाने वाला होता है जिसमें वो इस ड्रामे की मेन लीड के तौर पे चूज करने वाला होता है सॉन्ग भी को ही। दोनों एक दूसरे से सीक्रेट रखते हैं और अपने अपने घर से निकल पड़ते हैं बाहर, जहाँ पे दोनों की कार और स्कूटर एक दूसरे के आमने सामने भी आती है बट कोई भी एक दूसरे को देख नहीं पाता है। उसके बाद उस वेन्यू प्लेस पर दिखाया जाता है जहाँ पे नीनी मीडिया के सामने कह रही होती है कि इस ड्रामे में मुझे ही चूज़ किया जाएगा, लेकिन तभी वहाँ पे पहुँच जाती है सॉन्ग भी। तो वो सॉन्ग भी का मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि पहली बात तो तुम इस पार्टी में आई ही क्यों हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो इस पार्टी के जैसे ड्रेस भी नहीं है, यहाँ पे अपनी इंसल्ट कराने आई हो क्या? सॉन्ग भी कहती है कि ड्रेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे पास टैलेंट तो है। तो सभी लोग उसका फिर मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि यहाँ पे उनके सामने नियान कह देती है, हाँ मुझे पता है कि तुम्हारा टैलेंट कैसा है, तुम सभी के साथ रूम पर जाती हो और उनके साथ बेड शेयर करती हो। यहाँ पे वो उसके लिए घटिया बातें कहने लगती है जिससे कि यहाँ पे काफ़ी गुस्सा आने लगता है सॉन्ग भी को और वो कहते हैं तुम झूठ कह रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सभी लोग उसके बारे में घटिया बातें कहने लगते हैं। सॉन्ग भी यहाँ पे थोड़ा रोने भी लगती है। तभी शोर मचने लगता है कि मिस्टर टैंग आ गए हैं। सभी लोग उस तरफ जाने लगते हैं। सॉन्ग भी देखने की कोशिश करती है कि आखिरकार मिस्टर टैंग कौन है, लेकिन वहाँ पे मिस्टर टैंग का असिस्टेंट आता है, कहता है कि बॉस अभी नहीं आए हैं। उसके बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं। सॉन्ग भी अंदर जाने की कोशिश करती है तो जानबूझ के नियान उसके ऊपर ड्रिंक डाल देती है जिससे कि उसके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, इसलिए सॉन्ग भी को जाकर वॉशरूम में अपने कपड़े साफ़ करने पड़ते हैं। वहाँ पे वो आवाज़ें सुनती है कुछ जिसमें मिस्टर टैंग कह रहे होते हैं कि इस ड्रामे की हीरोइन वही बनेगी जिसे मैं चाहता हूँ और स्टेज पर आकर मैं उस लड़की का खुद नाम लूँगा क्योंकि वो काफ़ी टैलेंटेड है। ये सुन के लगता है सॉन्ग भी को कि सच में ये घटिया ही है पर्सन, इसलिए तो अपनी मर्जी से किसी भी लड़की को चूज़ कर रहा है। यहाँ पे वो थोड़ा गुस्से में आ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं पार्टी में पहुँच जाती है सॉन्ग भी एक नए डायरेक्टर से बात करने के लिए, लेकिन वो डायरेक्टर उसका नाम सुनते ही उससे कह देता है कि तुम्हें तो बैन कर दिया गया है तो तुम यहाँ पे क्यों आई हो। वो लोग उसकी काफ़ी इंसल्ट करते हैं और बाकी की कसर वहाँ पे आके फिर से नियान पूरी कर देती है ये कहकर कि सबके साथ रूम पर जाती है। सारे डायरेक्टर्स सारे असिस्टेंट्स वगैरह को सीड्यूस करती फिरती है, मतलब उसकी कैरेक्टर की पूरी धज्जियां उड़ा देती है। सॉन्ग भी यहाँ पे रोते हुए कहने लगते हैं कि आज तक मैंने कभी भी वो घटिया काम नहीं किया है, मैं यहाँ तक अपनी मेहनत से आई हूँ। यहाँ पे फिर भी उसका मजाक उड़ा रही होती है नियान। सॉन्ग भी कहती है कि मैं प्रूव करके दिखाऊंगी कि मैंने कभी गलत काम नहीं किया है, अगर ऐसा है तो तुम यहाँ पे मिस्टर टैंग को बुलाओ, जाकर पूछो उनसे क्या मैंने कभी उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश की है। लेकिन नियान उसकी बात नहीं सुन रही होती है। तभी स्टेज पे एक पर्सन आ जाता है जो कि अनाउंसमेंट करने लगता है कि इस ड्रामे की मेन लीड कौन रहने वाली है। नियान यहाँ पे अपने लिए खुश हो रही होती है, लेकिन तभी वो पर्सन कहता है कि इस ड्रामे की मेन लीड बनने वाली है सॉन्ग भी। ये बात सुन के सभी शॉक हो जाते हैं, खास तौर पर तो नियान। वहाँ पर वो पर्सन कहता है कि मैं मैडम सॉन्ग भी को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। सॉन्ग भी तो खुद शॉक होती है कि क्या सच में उसे चूज़ किया गया है। वो यहाँ पर अपने आंसुओं को पूछती है और स्टेज पे जाकर उस पर्सन से भी कंफर्म करती है, क्या सच में आपने मेरा ही नाम लिया है इस ड्रामे के लिए? वो पर्सन कहता है, ऑफ कोर्स आपको ही चूज़ किया गया है। सॉन्ग भी यहाँ पे काफ़ी खुश होती है। उसके बाद वो पर्सन कहने लगता है, पर्सनली मिस्टर टैंग अब स्टेज पे आने वाले हैं। यहाँ पे सभी लोगों का ध्यान होता है कि कौन है मिस्टर टैंग, अब देखा तो जाए। यहाँ पे मिस्टर टैंग स्टेज की तरफ आने लगते हैं, लेकिन वो सॉन्ग भी को देखते हैं तो एकदम हैरान हो जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि वहाँ पे मिस्टर टैंग खुद नहीं बल्कि किसी और पर्सन को टैंग बना के भेज देते हैं, जिसके साथ सॉन्ग भी यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाती है। मिस्टर टैंग जब वहाँ पे आ रहे थे तो उन्होंने पहले ही सॉन्ग भी को देख लिया था, इसलिए वो अपनी जगह किसी और को वहाँ पे भेज देते हैं और बाद में वो उस पर्सन को पैसे भी देते हैं अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे सॉन्ग भी आ जाती है और वो टैंग को देखकर कहने लगती है कि तुम इस पर्सन के साथ क्या कर रहे हो, क्या तुम इन्हें जानते हो?
मिस्टर टैंग एकदम से उस पर्सन को थैंक्स कहने लगते हैं पैसे देने के लिए और उसे वहाँ से जाने का इशारा करते हैं, जिसके बाद वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। मिस्टर टैंग सॉन्ग वी से कहते हैं, असल में यहाँ पे मैं फ्लावर्स डिलीवर करने आया था, तो वो पर्सन तो सिर्फ मुझे पैसे दे रहा था, मैं उसे नहीं जानता हूँ। सॉन्ग वी कहते हैं, अच्छा तो तुम यहाँ पे अपना काम करने आए थे, ये फ्लावर्स मुझे उसने दिए हैं। तो सॉन्ग वी गुस्से में उन फ्लावर्स को फेंक देती है और कहते हैं कि मुझे उस घटिया पर्सन की कोई चीज़ नहीं चाहिए। सच में वो काफ़ी चिपकू पर्सन है और काफ़ी घटिया भी है। मिस्टर टैंग को ये सब कुछ सुन के बुरा लग रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उसे अपनी सच्चाई नहीं बता पाते हैं। सॉन्ग भी यहाँ पे उनके कान में कहने लगती है कि मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी है, मुझे इस ड्रामे में रोल मिल गया है। मिस्टर टैंग उसके लिए खुश होते हैं, तो सॉन्ग भी कहती है, आज का डिनर मैं रेडी करूँगी, चलो हम लोग कुछ सामान खरीदने चलते हैं। दूसरी तरफ हमें एक और रिच सी लेडी को दिखाया जाता है जो कि ये न्यूज़ देखती है और कहने लगती है, क्या ये सच में वो लड़की हो सकती है? क्या कोई पर्सन मेरी बेटी जैसा दिख सकता है? यहाँ पे वो उसे देखकर काफ़ी शॉक रहती है। वो लेडी यहाँ पे अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि मुझे इस लड़की की सारी डिटेल्स चाहिए और साथ में इसके डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी चाहिए। उसके बाद देखते हैं सॉन्ग वी और मिस्टर टैंगो जो कि एक साथ बाइक पे आ रहे होते हैं। यहाँ पे सॉन्ग वी कहती है, आज मैं बहुत खुश हूँ, चलो कुछ खाने का सामान खरीद लेते हैं, अच्छा सा डिनर रेडी करेंगे। इसलिए वो एक वेजिटेबल मार्केट में पहुंच जाते हैं, वहाँ पे वो काफ़ी सारी चीज़ें देखने और ख़रीदने लगते हैं। मिस्टर टैंग को तो किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होता है, ये देखकर सोचती है सॉन्ग वी कि शायद ये काफ़ी पुअर है, इसलिए इन्होंने ये सारी चीज़ें कभी नहीं देखी है। यहाँ पे वो कहते हैं कि आज का डिनर मैं रेडी करूँगी, बट मिस्टर टैंग कहते हैं, तुम्हें डिनर बनाने की ज़रूरत नहीं है, डिनर मैं बना लूँगा। यहाँ पे टैंग सोच रहा होता है कि नूडल्स की तरह ही तो ईजिली सब कुछ बन जाता होगा। उसके बाद घर पे देखते हैं किचन में, जहाँ पे मिस्टर टैंग वेजिटेबल्स को देखकर कंफ्यूज हो रहे होते हैं। ये देखकर समझ जाती है सॉन्ग वी कि वो कुकिंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो उनसे कहते हैं कि आप बाहर जाके बैठे, कुकिंग मैं करती हूँ। लेकिन तभी वो स्लिप होकर गिरने वाली होती है, मिस्टर टैंग उसे तुरंत ही थाम लेते हैं। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, मिस्टर टैंग तो उसे किस करने वाले होते हैं, लेकिन तभी उनका फ़ोन रिंग करने लगता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अपने अपने काम में बिजी होने लगते हैं। मिस्टर टैंग जाकर फ़ोन पर बात करते हैं, उनका असिस्टेंट कहता है, बॉस आपको कल आना होगा क्योंकि काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स पेंडिंग है। मिस्टर टैंग उसे कहते हैं कि तुम्हें अभी कॉल करने की क्या जरूरत थी? यहाँ पे असिस्टेंट कहता है, बॉस काम की बात थी। लेकिन मिस्टर टैंग कहते हैं, सारे काम को तुम संभालो, ऐसा कहकर वो फोन कट कर देते हैं। बट असिस्टेंट फिर उन्हें मैसेज करके बताता है कि आपको सॉन्ग वी के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही है ना, उसके लिए तो बॉस आ जाना। तो टैंग सोचने लगता है कि उसके लिए तो मुझे ऑफिस जाना ही होगा। यहाँ पे सॉन्ग वी भी किचन से उसे देख रही होती है और सोचती है कि ये शायद अपनी पार्ट टाइम जॉब को लेकर काफ़ी परेशान है, कल मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाना है, मैं अकेले ही चली जाती हूँ। यहाँ पे वो फिर काफ़ी मन लगाकर कुकिंग करती है। लेकिन जब किचन में मिस्टर टैंग एंटर होते हैं तो वो उनसे शर्माने लगती है, आई कांटेक्ट भी नहीं करती है, क्योंकि कुछ समय पहले वो दोनों एक दूसरे के कुछ ज़्यादा ही करीब आ गए थे। यहाँ पे वो शर्माते हुए ही अपना डिनर भी उनके साथ फिनिश कर लेती है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है सॉन्ग वी को, जो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कंपनी में पहुँच जाती है, लेकिन उसे ऑफिस नहीं मिल रहा होता है। इसलिए वो ऑफिस को ढूंढते ढूंढते उस ऑफिस के करीब पहुँच जाती है जिस ऑफिस में मिस्टर टैंग अपने असिस्टेंट के साथ होते हैं। यहाँ पे वो उन्हें देखने ही वाली होती है, तभी पीछे से एक पर्सन आकर उसे अपने साथ दूसरे ऑफिस में ले जाता है और उसे कॉन्ट्रैक्ट फाइल देता है साइन करने के लिए। यहाँ पे वो पर्सन उसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा होता है, वो उसे एक छोटा स्टार समझ रहा होता है और कहता है, आज तुम इतनी बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली हो, तुम्हें अच्छे से काम करना होगा, मतलब बकवास बातें उसके सामने कर रहा होता है और उसे कॉन्ट्रैक्ट फाइल देता है, तो जिसमें यहाँ पे उसकी फ़ीस काफ़ी कम होती है। ये देखकर कहने लगती है सॉन्ग भी, इसमें तो सिर्फ 3000 है, ये तो काफ़ी कम है। लेकिन वो पर्सन कहता है, तुम जैसी छोटे स्टार के लिए इतने पैसे काफ़ी है, अगर साइन नहीं करना है कॉन्ट्रैक्ट तो तुम जा सकती हो। सॉन्ग भी यहाँ पे बैठ के उस सारे कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से रीड करने लगती है। यहाँ पे देखते हैं असिस्टेंट को, जो कि मिस्टर टैंग को एक दूसरे ऑफिस में लेके जाता है मीटिंग कराने के लिए। वहाँ का जो डिस्प्ले होता है वो काम नहीं कर रहा होता है, जिसके बाद असिस्टेंट उसे दूसरे ऑफिस में चलने के लिए कहता है, इसलिए टैंग दूसरे ऑफिस की तरफ जाने लगता है। उसी ऑफिस में बैठी रहती है सॉन्ग भी, जो कि सोचती है कि मुझे एक बार इस पर्सन से बात करनी चाहिए, थोड़े तो पेमेंट को बढ़वाना चाहिए। वो ऑफिस से बाहर जाने लगती है, तभी मिस्टर टैंग ऑफिस में एंट्री ले लेते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी शॉक होते हैं। यहाँ पे सॉन्ग भी फिर मिस्टर टैंग को कॉर्नर में लेकर जाती है और कहती है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और आपने ऐसे कपड़े कहाँ से लिए हैं, ये तो काफ़ी मुझे महंगे लग रहे हैं। यहाँ पे टैंग कह देता है कि असल में मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने आया हूँ और ये कपड़े मैंने अपनी फ्रेंड से लिए हैं, मुझे याद आया कि आज तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली हो, इसलिए बस मैं यहाँ पे आ गया। सॉन्ग भी कहती है, हाँ तुमने सही कहा, मैं तुम्हें इसलिए नहीं तंग कर रही थी क्योंकि तुम अपने पार्ट टाइम जॉब्स में ही काफ़ी बिजी रहते हो, सोचा मैं खुद आ जाऊँ। लेकिन कहता है टैंग, नहीं मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ठीक है ना तुम्हारे हिसाब से?
यहाँ पे सॉन्ग भी कहती है सब कुछ तो ठीक है लेकिन ये लोग पैसे बहुत कम दे रहे हैं, सिर्फ 3,000 रुपये दे रहे हैं। ये बात सुन के यहाँ पे टैंक को ही गुस्सा आ जाता है। यहाँ पे सॉन्ग भी कहती है कि हमें एक बार उस पर्सन से बात करनी चाहिए, इसलिए सॉन्ग भी उस दूसरे रूम में आ जाती है उस पर्सन से बात करने के लिए। वो पर्सन तो यहाँ पे सॉन्ग भी से बदतमीजी से ही बात करता है, लेकिन सॉन्ग भी जैसे ही कहते हैं कि मेरा एजेंट आपसे बात करना चाहता है और वहाँ पे मिस्टर टैंक एंट्री लेते हैं तो वो पर्सन तो हिल जाता है। ये देखकर कि इस छोटी सी स्टार का एजेंट हमारा बॉस है, यहाँ पे वो बिल्कुल कांपने लगता है और कहता है प्लीज़ प्लीज़ आप बैठिए ना। यहाँ पर वो पर्सन फिर बहुत पोलाइट तरीके से सॉन्गवी से कहता है अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट ठीक लग रहा है तो आप साइन कर दे। सॉन्गवी तो साइन करने वाली होती है लेकिन उसे टैंग रोक देता है ये कहकर कि हमें ये पेमेंट ठीक नहीं लग रहा है, सिर्फ एक हफ्ते के लिए वो भी 3,000, ये तो बहुत कम है। तो तुरंत ही वो पर्सन कहता है आपके हिसाब से कितना होना चाहिए आप मुझे बता दे। यहाँ पर मिस्टर टैंग सॉन्गवी की तरफ देखते हैं तो सॉन्गवी उन्हें इशारा करती है। मिस्टर टैंक कह देते हैं कम से कम 1,00,000 तो होना ही चाहिए पर वीक का। यहाँ पे सॉन्ग भी तो हिल जाती है कि क्या इतनी ज़्यादा मांग लिए, अब तो ये पर्सन पक्का हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा। अब इसमें बेचारे इसकी भी तो गलती नहीं है क्योंकि ये तो पहली बार एजेंट का काम कर रहा है। तभी यहाँ पे जो सामने पर्सन बैठा होता है वो तुरंत हाँ कह देता है, कहता है कि बस मैं अभी ये कॉन्ट्रैक्ट चेंज करवा के आता हूँ। ये देखकर तो सॉन्गवी भी शॉक हो जाती है कि वो पर्सन इतनी आसानी से कैसे मान गया। यहाँ पे कहने लगती है फिर बाद में सॉन्गवी टैंक से कि तुमने इतने सारे पैसे क्यों मांग लिए, अरे मेरे इशारा करने का मतलब था कि 10,000 लेकिन तुमने तो पूरा 1,00,000 मांग लिया। टैंक उससे कहता है अरे तुम इतनी काबिल एक्टर हो, इतना एफर्ट डालती हो तो तुम्हें इतने पैसे तो मिलने ही चाहिए। सॉन्ग भी कहती है शुक्र है वो मान गया वरना मुझे तो डर था कि वो कहीं इस कॉन्ट्रैक्ट को ही ना कैंसिल कर दे। तभी उस रूम में असिस्टेंट आ जाता है, वो सॉन्गवी को तो नहीं देखता है और तुरंत ही अपने बॉस को ही टैंक कहकर बुलाने लगता है और मीटिंग के लिए चलने को बोलता है। एकदम से सॉन्गवी तो शॉक हो जाती है कि क्या तुम इसे अपना बॉस कह रहे हो। यहाँ पे गुस्से में जो टैंक होता है वो पेन को बीच में से तोड़ देता है, जिसके बाद असिस्टेंट डरते हुए कहता है नहीं नहीं असल में मुझसे गलती हो गई है, ये मेरे बॉस थोड़ी ना है, शायद मेरे बॉस दूसरे रूम में है, मैं उन्हें बुला के लाता हूँ। इन्होंने ना आज मेरे बॉस जैसे कपड़े पहने हैं इसलिए मेरे से मिस्टेक से इनके लिए बॉस निकल गया। वो तो ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है तो वो दोनों ऑफिस से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे सॉन्ग भी काफ़ी खुश होती है। सॉन्ग भी फिर कहने लगती है देखो तो सही उस असिस्टेंट ने कितनी बड़ी गलती कर दी, वो तुम्हें अपना बॉस समझ रहा था। उसके बाद देखते हैं सॉन्गवी और टैंक ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। सॉन्गवी काफ़ी खुश होती है क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। यहाँ पे सॉन्गवी कहने लगती है वो असिस्टेंट कितना पागल था ना, तुम्हें अपना बॉस समझ रहा था। तब यहाँ पे टैंक उसे कहने लगता है अगर सच में मैं उसका बॉस होता तो तुम कैसे रिएक्ट करती। सॉन्गवी कहती है रिएक्ट क्या करना था, मैं तुम्हें खूब मार दी क्योंकि मुझे इस कंपनी के बॉस से बहुत नफरत है। ये बात सुन के तो टैंक चुप हो जाता है और कहता है हाँ तुमने सही कहा, तुम्हें तो उस पर्सन से काफ़ी नफरत है। टैंक मन में सोचता है कि जब तक मैं इसकी गलत फहमियाँ दूर ना कर दूँ मैं इसे सच नहीं बता सकता हूँ, वरना ये लड़की सच में मेरी जान ले लेगी। उसके बाद रात के समय में देखते हैं सॉन्गवी को जो कि टैंक को जाकर उठाने लगती है और कहती है अगर तुम अभी सोए नहीं हो तो क्या मेरी मदद कर सकते हो। टैंक तो तुरंत ही बेड से उठ जाता है और कहता है बताओ क्या करना है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सॉन्गवी कहते हैं कि मुझे ना एक छोटा सा अपना ऑडिशन का वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करना है एक नए ड्रामे के लिए, तो क्या तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे। टैंक राजी हो जाता है। यहाँ पे वो दोनों प्रैक्टिस करने लगते हैं लेकिन प्रैक्टिस के दौरान मिस्टर टैंक उससे अपनी दिल की फीलिंग्स को कन्फेस कर देते हैं। वो यहाँ पे उससे कह देते हैं कि जब मैंने पहली नज़र में ही तुम्हें देखा था ना तो मुझे तुमसे प्यार हो गया था, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी। सॉन्गवी भी उन्हें एकदम से हाँ कह देती है और वो दोनों प्यार से एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि दोनों ही एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ जाते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। यहाँ पे सॉन्गवी उनके कपड़ों को बाहर धूप में टांग रही होती है साफ करके। मिस्टर टैंक उसके साथ खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं लेकिन तभी मिस्टर टैंक के पास फ़ोन आ जाता है, इसीलिए वो फ़ोन रिसीव करने चले जाते हैं। सॉन्गवी को उनके कपड़ों में उनका एक विजिटिंग कार्ड मिलता है जिस पे लिखा होता है ही टैंक। ये देखकर वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसके ऊपर उसी कंपनी का नाम लिखा होता है जिसके साथ वो ड्रामा करने वाली है। यहाँ पे वो डाउट में आ जाती है कि कहीं यही तो उस कंपनी के बॉस ना हो, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हो भी चुका है, इसलिए वो उसके पास उससे ये सवाल करने के लिए आती है। लेकिन फ़ोन पे वो अपनी मॉम से झगड़ा कर रहे होते हैं और यहाँ पे उनसे फिर पूछती नहीं है इस बारे में,
सॉन्ग भी। मिस्टर टैंग उसे कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, वो उसे उसका वो ब्रेसलेट भी लाकर दे देते हैं जो उसने उस स्वीट पोटैटो वाले पर्सन को सेल किया था। सॉन्ग भी कहती है वैसे ये ब्रेसलेट मेरे लिए काफ़ी लकी है, लेकिन उससे ज़्यादा लकी आप हैं क्योंकि जब से आप मेरे पास आए हैं मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, इसलिए इस ब्रेसलेट को भी मैं आपको ही देना चाहती हूँ। वो बहुत प्यार से उसे मिस्टर टैंग को पहना देती है और कहती है प्लीज़ हमेशा मेरे साथ रहना और मेरा कभी दिल मत तोड़ना। मिस्टर टैंग भी उसे हाँ में जवाब देते हैं, लेकिन रात के समय में भी उसके हाथ में वही विजिटिंग कार्ड होता है। वो थोड़ी कंफ्यूज होती है और सोचती है कि शायद मैं गलत सोच रही हूँ, लेकिन चलो अपनी कंफ्यूजन को दूर कर लेती हूँ। वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि कल नए ड्रामे का ऑडिशन होने वाला है ना, तो उसमें तुम मेरा नाम भी लिखवा देना। वो सोचती है कि वहीं पर जाके मैं रियल मिस्टर टैंग को एक बार फिर से देख लेती हूँ, शायद मेरी गलतफहमी दूर हो जाए। यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है, सॉन्ग भी तो ऑडिशन देने के लिए चली जाती है और वो मिस्टर टैंग के लिए एक लंच बॉक्स बना के जाती है जिसे देखकर मिस्टर टैंग काफ़ी खुश होते हैं। तभी यहाँ पे मिस्टर टैंग के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो उन्हें उसी प्लेस पे बुलाने लगता है जहाँ पे सॉन्ग बीबी ऑडिशन देने के लिए गई थी। हम देखते हैं उस प्लेस पे जहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं ऑडिशन देने के लिए, कुछ लोग बात करने लगते हैं कि जिन लोगों ने कॉन्टैक्ट बनाए हैं इन बड़े लोगों के साथ उन्हें ही काम मिलेगा। सॉन्ग भी कहती है कि काम तो अपने टैलेंट पर भी मिल सकता है ना, तो उससे एक लड़की कहती है तुम जैसी लड़की को कौन काम देने वाला है। यहाँ पे वो लड़की कहती है क्या तुम्हें पता नहीं है कि काम उन लोगों को दिया जाता है जिनके कनेक्शन डायरेक्टर या फिर असिस्टेंट वगैरह के साथ होते हैं। यहाँ पे ये सुन के थोड़ा सैड सा होके बैठ जाती है सॉन्ग भी। तभी सॉन्ग भी को बुलाया जाता है ऑडिशन देने के लिए। जैसे ही मिस्टर टैंग उसे देखते हैं तो वो तो पेपर से अपना फेस कवर करने लगते हैं। सॉन्ग भी यहाँ पे अपना ऑडिशन देती है, लेकिन सामने बैठे हुए पर्सन को देखकर उसे बार बार ऐसा लगता है कि ये टैंग ही है। तो यहाँ पे वो अपने डायलॉग्स बोलते समय अपनी हर पुरानी मेमोरी को याद कर रही होती है और उसके डायलॉग्स में होता है कि कभी भी रिश्ते में झूठ नहीं होना चाहिए, जो भी होना चाहिए सच होना चाहिए, क्योंकि झूठ के कारण रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं और टूट जाते हैं। यहाँ पे वो सोच रही होती है कि मेरे टैंग मुझसे कभी झूठ नहीं कहेगा, सोचती है कि ये पर्सन टैंग है ही नहीं और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वो मिस्टर टैंग के हाथ में वही ब्रेसलेट देख लेती है अपना वाला, जिसके बाद उसे श्योर हो जाता है कि यही टैंग है और वो जाकर उसके फेस से वो पेपर्स हटा देती है और कहती है कि तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ कहा, तुमने मुझे अब तक पागल बनाया। वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है तो मिस्टर टैंग उसे रोक लेते हैं और कहता है ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा था, तुम्हें अपनी सच्चाई मुझे बताना था लेकिन तुम्हें मुझे लेकर गलतफहमी थी इसलिए बस नहीं बता पाया। लेकिन सॉन्ग भी कहती है कि तुमने मुझे वो पर्सन बना दिया जो मैं कभी नहीं बनना चाह रही थी, सभी को तो ऐसा ही लगेगा ना कि मेरा तुम्हारे साथ कनेक्शन है, इसीलिए मुझे ये काम मिलते हैं और इसीलिए मुझे ड्रामे में साइन किया जाता है। सॉन्ग भी यहाँ पे रोने लगती है, मिस्टर टैंग उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं भरोसा करो ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें मदद करने की सोच रहा था लेकिन तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे तुमसे प्यार हो गया, इसलिए बस अपनी सच्चाई बताने से मैं डरने लगा। सॉन्ग भी कहते कि फिलहाल मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप मुझसे दूर रहे, और वो रोते हुए वहाँ से जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे मिस्टर टैंग भी काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं। उसके बाद फिर से हमें उसी रिच लेडी को दिखाया जाता है जो कि अपने असिस्टेंट से डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मंगवाती है। वो यहाँ पे काफ़ी खुश होती है उस रिपोर्ट को देखने से पहले, लेकिन देखने के बाद उदास हो जाती है और सोचती है कि ये मेरी बेटी नहीं है। यहाँ पे जो उसका असिस्टेंट होता है वो किसी को कॉल करके कहता है कि मैंने मैडम की डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट चेंज कर दी है, अब बताओ आगे क्या करना है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सॉन्ग बी को जो कि काफ़ी अपसेट होती है लेकिन अपना शेड्यूल के हिसाब से एक्टिंग करने के प्लेस पर पहुँच जाती है। तभी यहाँ पे उस डायरेक्टर के पास किसी का कॉल आता है और उससे कहा जाता है जो आज तुम्हारे साथ लड़की एक्टिंग करने वाली है उसे काफ़ी ज़्यादा तंग किया जाए। यहाँ पर वो डायरेक्टर उस फोन वाले लड़की की तुरंत बात मान जाता है और जाकर एक नई स्क्रिप्ट पकड़ा देता है सॉन्ग भी को और कहता है कि आज इसमें ना तुम्हें थोड़ा तंग किया जाएगा, परेशान। सॉन्ग भी कहती है कि अचानक से ये चेंजेस क्यों। डायरेक्टर कहता है ऑडियंस को ये सब कुछ पसंद आता है इसलिए तुम प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे नियान को बुला लिया जाता है विलन के तौर पे उस ड्रामे में, और यहाँ पे नियान बार बार सॉन्ग भी को जानबूझ के कई चाटे मार रही होती है क्योंकि डायरेक्टर हर बार हर सीन में कोई ना कोई कमी निकाल देता है। इस तरीके से उस सीन के कम से कम 32 से 33 कट लिए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं सॉन्ग भी को आगे पानी में एक सीन करना होता है। सॉन्ग भी इस सीन को खतरनाक बताती है लेकिन डायरेक्टर उसे फोर्स करता है। यहाँ पे उसे बहुत बुरी तरीके से नियान पानी में डुबाने लगती है जिससे कि सॉन्ग भी की हालत ही ख़राब हो जाती है। तभी पता चल जाता है मिस्टर टैंग को इस बारे में, इसलिए वो समय से वहाँ पे पहुँच जाते हैं, लेकिन तब तक सॉन्ग भी यहाँ पे बेहोश हो जाती है। मिस्टर टैंग काफ़ी गुस्से में चिल्लाते हैं और कहते हैं कि इस डायरेक्टर को भी अब यहाँ से निकाल दिया जाए और साथ में नियान को तो अब कहीं काम ही नहीं मिलेगा, वो उससे
यहाँ पे बैन करने की बात कहते हैं। उसके बाद देखते हैं मिस्टर टैंग जो कि सॉन्गवी को घर ले आए थे। सॉन्गवी यहाँ पे बेहोश रहती है तो पूरी रात वो उसका ध्यान रखते हैं। मॉर्निंग में सॉन्गवी की आंखें खुलती है तो वो मिस्टर टैंग को थैंक्स कहती है मदद करने के लिए, लेकिन वहाँ से जाने लगती है। टैंग कहता है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद यहाँ से चला जाता हूँ। वो यहाँ पे फिर से उससे झूठ कहने के लिए माफ़ी मांगते हैं, बट सॉन्गवी कहती है मैं कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, बस मुझे अकेला छोड़ दे। तो टैंग उसे वहाँ पर अकेला छोड़ के चला जाता है। उसके बाद उस डायरेक्टर को देखते हैं जिसे मिस्टर टैंग ने काम से निकाला होता है। वो एक लड़की के साथ होता है जिसका नाम जीजी होता है। वो उसे कहता है कि अगर मुझे पता होता कि मिस्टर टैंग का उस लड़की से इतना अच्छा कनेक्शन है तो मैं कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं करता। जीजी यहाँ पे गुस्से में कहने लगते हैं कि 5 साल पहले तुम मरने से बच गई थी और आज भी तुम मेरे लिए खतरा बन रही हो, बेशक तुम अपनी याददाश्त भूल गई हो वैंगली, मैं तुम्हें इस बार नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद हम ऑफिस में देखते हैं टैंग को जो कि अपने काम की वजह से काफ़ी परेशान होता है। उनकी एक काफ़ी बड़ी मूवी होती है जिसे वो कई सालों से बना रहे थे, लेकिन अचानक ही उसकी मेन लीड गायब हो गई है। कुछ समय के लिए वो लीव पर गई थी लेकिन अब तक वापस नहीं आई है, इसलिए टैंग सभी को डांट रहा होता है। उसके बाद उसके ऑफिस में उसका असिस्टेंट आता है। वो यहाँ पे कहता है कि इस चीज़ के लिए हम मैडम सॉन्गवी की मदद ले सकते हैं क्योंकि वैंगली और वो दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, क्यों ना हम उनकी मदद लेकर इस मूवी को पूरा कर ले। लेकिन यहाँ पे कहता है टैंग हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो पहले ही मुझे गलत समझ रही है, अब मैं उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहता हूँ, इसलिए वो इस बारे में कोई भी बात करने से मना कर देता है असिस्टेंट को। लेकिन यहाँ पे फिर भी असिस्टेंट सॉन्गवी से अकेले में मिलने जाता है और उससे बात करता है। कहता है कि बॉस ने कई साल पहले एक बहुत बड़ी मूवी में इन्वेस्ट किया था लेकिन 5 साल से उसकी मेन लीड गायब है। वो कुछ टाइम के लिए बीमार थी इसलिए उसे लीव दी गई थी, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चला है, जिसका फेस बिल्कुल आपसे मिलता है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आप हमारी मदद करें इस मूवी को कंप्लीट करने में, वरना हम लोग बहुत लॉस में चले जाएंगे। यहाँ पे सॉन्गवी कहती है क्या तुम्हें ऐसा कहने के लिए टैंग ने कहा है? असिस्टेंट कहता है नहीं, उन्होंने तो बिल्कुल मुझसे मना कर दिया था इस बारे में आपसे डिस्कस करने के लिए, बस मैं तो अपनी तरफ से आपसे मदद मांगने आया हूँ। यहाँ पे वो कहता भी है कि आपने बॉस को गलत समझा है, उन्होंने तो हमेशा आपकी केयर की है और उनका इरादा नहीं था आपसे कोई भी झूठ कहने का। सॉन्ग भी यहाँ पे कहते कि उसने मेरी काफ़ी मदद की है इसलिए मैं भी उसकी मदद करना चाहूँगी, और वो उसे हाँ कह देती है। जीजी को देखते हैं जिसे इस बारे में पता चल जाता है कि सॉन्गवी को ही फिर से उस मूवी में लिया जा रहा है, तो वो काफ़ी गुस्से में पागल होने लगती है। यहाँ पे देखते हैं पार्टी रखी जाती है उस मूवी की अनाउंसमेंट के लिए, तो वहाँ पे जो मेन लीड के तौर पे हीरो होता है वो सॉन्गवी को काफ़ी इंसल्टेड फील कराता है और मीडिया के सामने उसका एक फेक वीडियो दिखाने लगता है, जिससे कि उसके कैरेक्टर पर सभी लोग उंगली उठाने लगते हैं। सॉन्गवी को काफ़ी बुरा लगता है इसलिए वो अकेले में आके बैठ जाती है, जहाँ पर हम जीजी को देखते हैं जो कि नियान से कहने लगती है क्या तुम मेरी मदद करोगी इस लड़की को रास्ते से हटाने में। नियान यहाँ पे खुशी से उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है क्योंकि वो तो पहले से ही सॉन्गवी की वजह से जेलस फील कर रही थी, इसलिए वो सॉन्गवी के पास उससे बात करने आती है, पर सॉन्गवी कहती है कि मुझे कोई बात नहीं करनी है, तुम यहाँ से जा सकती हो। यहाँ पे उसे काफ़ी बुरा भला कहने लगती है नियान, और उसके ऊपर गुस्से में ड्रिंक डालती है और फिर उसे धक्का भी दे देती है जिससे कि वो सीढ़ियों पे जाग पड़ती है। यहाँ पे वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पे पार्टी शुरू हो रही होती है, सभी लोग हीरोइन का वेट कर रहे होते हैं, जिस वजह से यहाँ पे असिस्टेंट काफ़ी परेशान होता है मिस्टर टैंग का कि कहाँ पे चली गई है अचानक सॉन्गवी। यहाँ पे हम देखते हैं सॉन्गवी को, उसे गिरने के कारण जब होश आता है फिर से तो अपनी पुरानी यादें याद आती है कि असल में तो वो वैंगली है और उसका किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ था। सब कुछ याद आने के बाद वो कहते कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, जिसने मेरे साथ गलत किया है उससे बदला लूंगी, बट पहले मुझे अपने कपड़े चेंज करने होंगे पार्टी में वापस जाने के लिए। यहाँ पे कहने लगते हैं कि लगता है हीरोइन तो फिल्म छोड़ के जा चुकी है, और वैसे भी वो वैंगली की सब्स्टिट्यूट बनने वाली थी, कहाँ वो मूवी में टिकने वाली है। ऐसा यहाँ पर जीजी एक पर्सन के साथ डिस्कस कर रही थी। दूसरी तरफ देखते हैं उसी रिच लेडी को जो कि असल में रियल वैंगली की मॉम होती है। यहाँ पे उसे भी पता चलता है कि मिस्टर टैंग उसकी बेटी की हमशक्ल को एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज करने वाले हैं, जिसके बाद वो भी इस चीज से काफी नाराज होती है। उसके बाद दिखाया जाता है सॉन्गवी को जो कि अपनी ड्रेस चेंज करके फिर से पार्टी में एंट्री लेती है, उसे देखकर असिस्टेंट काफ़ी खुश होता है। यहाँ पे जब सॉन्गवी स्टेज पे आ जाती है तो मीडिया के लोग उससे सवाल करते हैं कि आप वैंगली की सब्स्टिट्यूट बनने वाली है तो आपको कैसा लग रहा है। यहाँ पे वो कहती है कि मैं वैंगली की सब्स्टिट्यूट नहीं बनने वाली हूँ क्योंकि सच में मैं खुद वैंगली हूँ। ये बात सुन के वो लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम कितना झूठ बोल रही हो। जीजी कहते हैं कि अगर तुम वैंगली की जैसे नज़र आती हो तो क्या तुम खुद को वैंगली कहने लगोगी। यहाँ पर उससे कहती है वैंगली क्या मैं तुम्हें बता दूँ कि तुमने कितने छोटे छोटे रोल मेरे साथ मेरी मूवीज़ में किए हैं, और क्या
तुम्हें लगता है कि एक एक्सीडेंट होने के कारण मैं हमेशा के लिए अपने आप को भूल जाऊंगी। एक्सीडेंट की जैसे ही बात यहाँ पे वेंगली करती है तो जीजी नर्वस सी हो जाती है और सोचने लगती है क्या इसे सच में सब कुछ याद आ गया है फिर से। यहाँ पे सभी लोग इस बात को लेकर आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि क्या ये सच में वेंगली है या फिर उनकी सब्स्टिट्यूट है। यहाँ पर जो वो मेल एक्टर होता है वो कहने लगता है कि तुम्हें झूठ कहने की ज़रूरत नहीं है सॉन्ग भी, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम अपने आप को यहाँ पे वेंगली बताओगी तो सब लोग मान लेंगे। मैं अभी मिस वेंगली की मॉम को कॉल करता हूँ, वो आकर सबको सच बता देगी। यहाँ पे तभी मिस वेंगली की मॉम पहुँच जाती है और कहने लगती है मैं खुद सबको बताती हूँ कि ये मेरी बेटी है या फिर नहीं। यहाँ पे वेंगली तुरंत ही उन्हें मम्मा कहने लगती है, लेकिन वो उससे कहते कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। वेंगली कहते कि आप मुझे क्यों नहीं पहचान पा रही है। उसके बाद तो जीजी और बाकी सब उसे यही कहने लगते हैं कि दिखावा बंद करो, अगर तुम्हारा फेस वेंगली से मिलता है तो तुम क्या खुद को वेंगली बनाकर सबको पागल बनाओगी। यहाँ पर कहने लगती है वेंगली कि ये झूठ है, मैं सच में इनकी बेटी हूँ। जीजी कहती है अगर ऐसी बात है तो चलो डीएनए टेस्ट करवा लो, उसके बाद सबको प्रूफ हो जाएगा। वेंगली यहाँ पे ये कराने के लिए भी तैयार हो जाती है, लेकिन तभी यहाँ पे उसकी मॉम कहती है ऑलरेडी मैं डीएनए टेस्ट करवा चुकी हूँ और तुम्हारी रिपोर्ट मुझसे मैच नहीं होती है, इसलिए तुम मेरी बेटी नहीं हो। वो यहाँ पे उससे बेटी कहने से मना कर रही होती है, लेकिन वेंगली कहती है कौन कहता है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। वो यहाँ पे उन्हें कुछ पुरानी बातें बताने लगती है बचपन की, लेकिन तभी जीजी कह देती है कि ये सब कुछ तो सबको पता है वेंगली के बारे में, क्योंकि वेंगली तो अपने इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें पहले ही डिस्कस कर चुकी थी। तुम हमें पागल बनाने की कोशिश मत करो। वो लोग वहाँ पे गार्ड्स को बुलाने लगते हैं और कहते कि अब तुम्हें यहाँ से निकाला जाएगा, लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर टैंग पहुँच जाते हैं और कहते कि किसकी हिम्मत है जो इसे यहाँ से बाहर निकाल सके। वो यहाँ पे उसका सपोर्ट करने लगते हैं, तो वो कहते क्या तुम्हें सच में मुझ पर भरोसा है ना, मैं वेंगली हूँ। टैंग कहता है कि मुझे तुम पर हर बात पर भरोसा है। जीजी कहते कि आप एक धोखेबाज लड़की पे कैसे भरोसा कर सकते हैं, ये किसी भी कीमत पे वेंगली है ही नहीं, ये झूठ कह रही है। तभी यहाँ पे कहती है वेंगली अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं प्रूफ कर देती हूँ कि मैं ही रियल वेंगली हूँ। यहाँ पे वो अपनी नेक के एक बर्थ मार्क को दिखाने लगती है। यहाँ पर उसके बर्थ मार्क को देखने के बाद सभी लोग हैरान होते हैं और तुरंत ही वेंगली की मॉम उसे पहचान लेती है और उसके पास जाती है, कहती है कि सच में तुम तो मेरी ही वेंगली हो। वेंगली यहाँ पे इमोशनल होने लगती है। उसकी मॉम कहती है मैंने तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवाया था, वो मैच कैसे नहीं किया फिर। यहाँ पर उनका डाउट अपने असिस्टेंट पर जाता है, तो असिस्टेंट अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने लगता है, पर उसकी मॉम गुस्से में उसे जॉब से फायर कर देती है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर जीजी कहने की कोशिश करती है वेंगली की मॉम से कि आंटी ये लड़की आपको पागल बना रही है, ऐसा बर्थ मार्क तो कोई भी फेक बनवा सकता है, ये मुझे टैटू लग रहा है। लेकिन यहाँ पे जीजी पर गुस्सा करती है वेंगली की मॉम ये कहकर कि जब तुम्हें कुछ नहीं पता है तो तुम मत बोलो, और उसे भी वहाँ से जाने के लिए कह देती है। यहाँ पे वो जो मेल एक्टर बचता है उसकी तो फिर सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, वो समझ जाता है कि उसने अब तक जैसा भी बिहेव किया था उसके साथ उसकी वजह से उसकी जान खतरे में आ सकती है, इसलिए वो तुरंत ही उससे माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन यहाँ पे उसे माफ़ करने से मना कर देती है वेंगली, क्योंकि वो किसी भी छोटे स्टार को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट देने को तैयार ही नहीं था, चाहे वो वेंगली हो या फिर कोई और हो, इसलिए वो उसे माफ़ नहीं करती है। और गुस्से में टैंग भी उसे अपने इस प्रोजेक्ट से निकाल देता है और कहता है आज के बाद तुम हमारी किसी भी कंपनी के किसी भी प्रोजेक्ट में काम नहीं करोगे। यहाँ पे वेंगली अपनी मॉम को देखकर इमोशनल रहती है, तो मिस्टर टैंग उसे कहते हैं कि तुम अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करो, ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद अपनी मॉम के साथ वेंगली बैठ के बात करती है और उन्हें बता देती है कि किस तरीके से 5 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो सब कुछ भूल गई थी। यहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि मैंने भी तुम्हें हर जगह ढूंढने की कोशिश की थी, बट मुझे तुम्हारे बारे में कहीं भी कुछ नहीं पता चला, लेकिन जब तुम्हें पहली बार देखा था तो ऐसा लगा था कि तुम मेरी बेटी हो, लेकिन उस फेक डीएनए टेस्ट की वजह से मेरा वो भरोसा टूट गया था, इसलिए मैं तुम्हें नहीं पहचान पाई। यहाँ पे फिर उनसे बात करने लगती है वेंगली मिस्टर टैंग को लेकर कि वो कैसे पर्सन है, उनका नेचर कैसा है। तो यहाँ पे उसकी मॉम बताती है कि वो तो काफ़ी हम्बल पर्सन है, वो कई साल तो अब्रॉड में रहे हैं, लेकिन हाँ उन्होंने वहाँ पे रहने के बाद भी अपनी कंपनी को काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है, वो भी इतनी यंग एज में। वेंगली कहती है कि मैंने तो उनके बारे में कुछ बेकार सी अफवाहें सुनी है। उसकी मॉम कहती है बेटा कुछ अच्छे लोगों के बारे में कुछ लोग अफवाह उड़ाते रहते हैं और उनके नाम का यूज़ भी करते हैं, लेकिन मिस्टर टैंग बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। अगर सच में तुम उन्हें लाइक करती हो तो तुम्हें उन्हें एक चांस देना चाहिए। तो यहाँ पे इस बारे में फिर वेंगली भी सोचने लगती है। उसके बाद देखते हैं वेंगली जाकर मिस्टर टैंग से उनकी कार में मिलती है। यहाँ पे मिस्टर टैंग को वो कहने लगती है कि असल में अपनी मेमोरी भूल गई थी, मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम सॉन्गवी नहीं है बल्कि वेंगली है। टैंग कहता है कि मुझे तुम्हारे नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, असल में तो जो भी तुम हो मुझे तुम ही पसंद हो। यहाँ पे उनकी बातें काफ़ी गौर से सुनती रहती है वेंगली। टैंग यहाँ पे उसे बताता है कि मुझे तुम पे बहुत पहले से ही क्रश था, शायद जब तो तुम मुझसे मिली भी नहीं थी, क्योंकि जो तुमने पहला शो किया था ना मुझे तुम उसी में पसंद आ गई थी।
तब से ही मैं तुम्हारा फ़ैन था, लेकिन जब तुम्हारे पास और तुम्हारे साथ रहने लगा तो फिर मुझे तुमसे प्यार हो गया। यहाँ पे वो उसे एक मौका मांगने लगते हैं रिलेशन को फिर से स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे सोचने लगती है वेंगली कि वैसे ये है तो बहुत अच्छे, जब मैं मुसीबतों में थी तो इन्होंने मेरी कितनी मदद की थी, जिस समय किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की थी। इसलिए वो उनसे कहती है ठीक है मैं भी आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। लेकिन इसी बीच हमें दिखाया जाता है काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते हुए जी जी यहाँ पे पागलों की तरह ड्रिंक कर रही होती है और सोचती है कि वेंगली को हर चीज़ मिल रही है, अपनी मम्मा से इतना प्यार मिलता है और मिस्टर टैंग भी उसे सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, मैं उसे खुश नहीं रहने दूंगी। यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद वेंगली से बदला लेने के चक्कर में अपनी कार उनकी कार को ठोक देती है और यहाँ पे मिस्टर टैंग और वेंगली का एक्सीडेंट हो जाता है। वेंगली तो यहाँ पे बच जाती है लेकिन मिस्टर टैंग को काफ़ी चोट लगती है, इसलिए वो कुछ समय के लिए कोमा में चले जाते हैं, जहाँ पे वेंगली उनके पास रह के उनका काफ़ी ध्यान रख रही होती है। लेकिन तभी असिस्टेंट आता है और वेंगली को बताता है कि जिसने आपका एक्सीडेंट किया है अभी वो लड़की पकड़ी नहीं गई है, हम लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में कंपनी में एक प्रॉब्लम हो गई है। काफ़ी सारे शेयर होल्डर्स आपस में ग्रुप बना रहे हैं ताकि वो मिस्टर टैंग को कंपनी की पोजिशन से हटा सके। यहाँ पे कहती है वेंगली कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, इसलिए वो पहुंच जाती है उस मीटिंग को रुकवाने के लिए, लेकिन सभी लोग उसे आउटसाइडर कहकर वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। वेंगली यहाँ पे अपने पेपर्स दिखाती है और कहती है मिस्टर टैंग की मैं गर्लफ्रेंड हूँ और उन्होंने अपने शेयर्स मेरे नाम कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। यहाँ पे एक पर्सन होता है जो कि खुद हेड बनने के चक्कर में होता है। यहाँ पे वो तुरंत ही किसी लेडी को मैसेज कर देता है हेल्प के लिए। इसी बीच हमें हॉस्पिटल में मिस्टर टैंग की बॉडी में इम्प्रूवमेंट होते हुए भी दिखाया जाता है। यहाँ पर वेंगली सारे शेयर होल्डर्स को कुछ समय रुकने के लिए कहती है, वो यहाँ पे उन्हें समझाती है कि मिस्टर टैंग जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन तभी मिस्टर टैंग की मॉम आ जाती है और कहने लगती है आपको इस बाहर वाली लड़की की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है ये पेपर्स भी फेक है जो ये हमें दिखा रही है। वेंगली यहाँ पे उनसे कहने लगती है कि ऐसी बात नहीं है, ये पेपर रियल है और मिस्टर टैंग ने ही अपने शेयर्स मेरे नाम किए हैं। लेकिन उसकी मॉम उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और कहने लगती है फिलहाल अगर मेरा बेटा कंपनी नहीं संभाल सकता है तो डिसीजंस मैं लूँगी। और वो यहाँ पे उस पर्सन को सीईओ बनाने की बात कहने लगती है क्योंकि उसकी मॉम का अफेयर उस पर्सन के साथ ही चल रहा होता है। यहाँ पे वो पर्सन भी काफ़ी खुश होकर उन पेपर्स पे साइन करने वाला होता है। वेंगली यहाँ पे उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो गार्ड उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे टैंग आ जाता है और कहता है इस कंपनी का हेड अभी भी मैं हूँ। यहाँ पे उसकी मॉम कहती है बेटा ऐसी बात नहीं है, बस मैं तो कंपनी को संभालने के लिए इनकी मदद ले रही थी। यहाँ पे तुरंत ही सारे शेयर होल्डर से गुस्से में कहने लगता है टैंग मैं सभी को पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने अपनी मॉम से सारे रिलेशन तोड़ दिए हैं, इसलिए ये कंपनी के रिगार्डिंग कोई भी फैसला नहीं ले सकती है। और यहाँ पे टैंग गार्ड्स को कहता है कि मेरी मॉम को कंपनी से बाहर निकाल दे, गार्ड ऐसा ही करते हैं। वहाँ से जाने लगता है जब टैंग तो उसे रोकती है वेंगली और कहती है कि तुम हॉस्पिटल से कब आए, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। लेकिन टैंग एकदम से उसे देखता है और कहता है कि तुम कौन हो और मेरे करीब क्यों आ रही हो। यहाँ पे असिस्टेंट और वेंगली दोनों ही शॉक हो जाते हैं। वेंगली कहती है क्या मजाक कर रहे हो तुम, टैंग मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो। लेकिन यहाँ पे टैंग उसे पहचानने से मना करता है और असिस्टेंट से कहता है कि इस लड़की को मुझसे दूर रखो। उसके बाद हॉस्पिटल में दिखाया जाता है वेंगली को। यहाँ पे वो डॉक्टर से बात करती है तो डॉक्टर उसे बताता है शायद एक्सीडेंट के कारण वो आपको भूल चुके हैं, लेकिन हाँ अगर उन्हें कुछ पुरानी यादें याद दिलाई जाए तो फिर से शायद उन्हें याद आ जाए। यहाँ पे वेंगली काफ़ी परेशान होकर रूम से बाहर निकलती है तो वहाँ पे होता है टैंग जो कि उससे कहता है मैं नहीं जानता कि पास्ट में मेरा तुम्हारे साथ क्या रिश्ता था, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें भूल चुका हूँ इसलिए तुम मुझे तंग मत करना। वो वहाँ से जाने लगते हैं तो वेंगली उसे रोकती है और कहती है कैसे ना आपको तंग करूँ, आप जब मेरे पीछे पड़े थे उसका क्या, आपने मेरे दिल को धड़काया है अपने लिए और अब आप कह रहे हैं कि मैं आपको भूल जाऊँ, मैं आपको भूलने नहीं वाली हूँ। एकदम से वो उनके करीब आ जाती है लेकिन मिस्टर टैंग उस पर गुस्सा करते हैं और उसे अपने से दूर रहने के लिए कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे ऑफिस में दिखाया जाता है जब मिस्टर टैंग अपने असिस्टेंट के डेस्क पे जाते हैं तो वहाँ पे उसे असिस्टेंट नज़र नहीं आता है बल्कि वहाँ पे वेंगली होती है जो उनसे कहती है कि आपका असिस्टेंट कुछ टाइम के लिए वेकेशन पे गया है इसलिए अब आपके काम को मैं संभालूंगी। वो उन्हें फाइल वगैरह दे देती है। उसके बाद उनके ऑफिस में उनके लिए कॉफ़ी लेकर जाती है ताकि उनके साथ कुछ समय बिता सके, लेकिन गलती से कॉफ़ी पेपर्स पे गिर जाती है जिसके लिए वो उनसे माफ़ी मांगती है तो मिस्टर टैंग उसे वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। जब वो जा रही होती है कॉरिडोर से तो एक वहाँ पे सर्वेंट काम कर रही होती है जो उससे कहती है कि इधर से मत गुजरो, मैंने यहाँ पे अभी सफाई की है। यहाँ पे उसे सॉरी कह के चली जाती है वेंगली। वो ध्यान ही नहीं देती है कि वो सर्वेंट और कोई नहीं बल्कि जीजी है। जीजी यहाँ पे गुस्से में उसकी तरफ देखती है और कहती है कि तुम तो एक्सीडेंट से भी बच गई हो वेंगली, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। उसके बाद हम देखते हैं शाम का समय हो जाता है। मिस्टर टैंग काम में ही बिजी रहते हैं, उनके बारे में सोचने लगती है वेंगली और फिर उनके लिए फिर से कॉफ़ी लेके जाती है। यहाँ पे उनसे वो डिनर के लिए पूछने लगती है, कहती है कि क्या
मैं आपके लिए ऑनलाइन कुछ फूड ऑर्डर कर दूँ, लेकिन मिस्टर टैंग उसे कोई जवाब नहीं देते हैं, इसलिए वो वापस अपने डेस्क पर आके बैठ जाती है। काफ़ी लेट हो जाता है, वो वहीं पर बैठे बैठे सो जाती है। तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी अपने कैबिन से बाहर आ जाते हैं मिस्टर टैंग, जिसके बाद जीजी वहाँ से चली जाती है। मिस्टर टैंग आकर देखते हैं वेंगली को, यहाँ पे वो उसे अपना कोट उड़ा देते हैं, लेकिन तभी वेंगली की आँखें खुल जाती है। टैंग उससे कहता है आगे से तुम्हें लेट तक यहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं है। वेंगली कहती है मैं आपकी असिस्टेंट हूँ ना, तो मेरा ये काम बनता है। लेकिन तभी उसके पेट से आवाज़ आने लगती है क्योंकि उसे भूख लगी होती है। ये देखकर टैंग उससे कहता है तुम्हें भूख लगी है। वो उसे अपने साथ चल के डिनर करने के लिए कहने लगते हैं। ये बात सुन के बहुत खुश हो जाती है वेंगली। फिर उसे डॉक्टर की बात याद आती है कि आपको उन्हें पुरानी यादें याद दिलानी चाहिए, इसलिए वो मिस्टर टैंग से कहती है डिनर मैं आपको कराना चाहती हूँ, तो क्या आप मेरे घर पे चलेंगे, मैं आपके लिए कुकिंग करूँगी। यहाँ पे वो उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करती है तो मिस्टर टैंग मान जाते हैं। उसके बाद घर पे दिखाया जाता है, वो उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें रेडी करती है। यहाँ पे टैंग घर को देखकर कहता है क्या सच में मैं तुम्हारे साथ यहीं रहा करता था। वेंगली उसे कहती है ऑफकोर्स आप ही तो मुझे इस घर में लाए थे। यहाँ पे मिस्टर टैंग को वो फूड टेस्ट करने के लिए कहते हैं। टैंग कहता है बट मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। वेंगली कहती है एक बार टेस्ट तो कीजिए, आपको पसंद आएगी। उसके कहने पे वो टेस्ट करते हैं और उन्हें सच में वो खाना पसंद आता है, और साथ में थोड़ी सी धुंधली पुरानी यादें भी याद आती है। फिर यहाँ पे उनसे कहने लगती है वेंगली असल में मैं आपका पीछा इसलिए नहीं छोड़ रही हूँ क्योंकि आपने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं आपसे कभी दूर ना जाऊँ। शायद आप इस बार में भूल चुके हैं, लेकिन फिलहाल मैं कुछ नहीं भूली हूँ। यहाँ पे वो दोनों काफ़ी गौर से एक दूसरे को देखते रहते हैं और फिर अपना डिनर फिनिश कर लेते हैं। जब यहाँ पे वेंगली किचन में होती है तो मिस्टर टैंग उसके पास आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वेंगली गलती से एक गर्म बर्तन को पकड़ लेती है जिससे कि उसका हाथ जल जाता है। ये देखकर मिस्टर टैंग उसकी परवाह करने लगते हैं। दोनों करीब आ जाते हैं। वेंगली उन्हें देखते हुए अपनी सारी पुरानी अच्छी यादों को याद करने लगती है जिनमें वो खुश हो जाती है और मिस्टर टैंग की तरफ आगे बढ़ने लगती है उन्हें किस करने के लिए। लेकिन तभी मिस्टर टैंग उससे दूर हो जाते हैं और कहते हैं मुझसे दूर रहो, अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर रहो, और वो वहाँ से नाराज़ होकर चले जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं वेंगली को जो कि मिस्टर टैंग के लिए उनका लंच बॉक्स पैक करती है और कहती है मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं करने वाली हूँ। मिस्टर टैंग को देखते हैं जो कि अपने किस वाले सीन के बारे में याद कर रहे होते हैं। वो अपने ड्राइवर से कहने लगते हैं क्या सच में मैं उस लड़की के साथ रहा करता था, तो ड्राइवर भी यही बात कहता है ऑफकोर्स बॉस आप तो हमेशा उन्हीं के साथ रहते थे। मिस्टर टैंग की मॉम को देखते हैं जो कि जीजी से जाके मिलती है और कहती है हम दोनों का दुश्मन एक ही है, अगर तुम मेरी मदद कर दो तो हम दोनों का ही फायदा हो सकता है। असल में मुझे अपने बेटे से काफ़ी सारे पैसे और कंपनी के शेयर्स चाहिए और तुम्हें उस लड़की से बदला चाहिए ना। यहाँ पे ये बात सुन के जीजी उनका साथ देने को तैयार हो जाती है। आगे दिखाया जाता है वेंगली को जो कि लंच बॉक्स लेकर जा ही रही होती है, तभी यहाँ पे टैंग की मॉम उसे कॉल करके मिलने के लिए बुला लेती है। तो वेंगली उनसे जाके मिलती है जहाँ पे टैंग की मॉम उससे कहने लगती है मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ लेकिन बचपन में मैं उसे समय नहीं दे पाई इसलिए वो हमसे दूर हो गया। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी मदद करो ताकि मैं उसके करीब जा सकूँ। यहाँ पे वेंगली उनकी बातों को गौर से सुनती है और कहने लगती है आपको पहले अपने बेटे से माफ़ी मांगनी चाहिए, मुझे पता है वो अच्छे हैं इसलिए आपको माफ़ कर देंगे। यहाँ पे उसे एक ड्रिंक ऑफर करती है मिस्टर टैंग की मॉम, जिसे पीने के बाद वेंगली को अजीब सा महसूस होने लगता है। तभी यहाँ पे उसकी मॉम कहने लगती है वैसे तो मैं अपने बेटे से काफ़ी सारे पैसे और कंपनी के शेयर्स चाहती हूँ बट वो देने को तैयार नहीं है, अगर मैं उससे कहूँ कि मैं तुम्हारी जान ले लूँगी तो क्या वो मुझे सब कुछ दे देगा। ये बात सुन के यहाँ पे थोड़ी सी परेशान होने लगती है वेंगली और उसकी तबीयत भी ख़राब होने लगती है। तभी वहाँ पे आ जाती है जीजी और कहती है इस बार तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगी। यहाँ पे वेंगली समझ जाती है कि इन दोनों ने मिलकर उसे फंसा लिया है, जिसके बाद वेंगली वहाँ से भागने लगती है। उसी एरिया के पास खड़ी रहती है मिस्टर टैंग की कार, तो वेंगली उन्हें आवाज़ देने लगती है लेकिन गार्ड आकर उसे वहाँ से ले जाते हैं और मिस्टर टैंग उसे देख नहीं पाते हैं। उसके बाद देखते हैं ऑफिस में जहाँ पे मिस्टर टैंग जब वेंगली को नहीं पाते हैं तो वो फिर किम से पूछने लगते हैं कि आज तुम यहाँ पे क्यों हो, तुम तो वेकेशन पे गए थे ना। किम कहता है कि मेरे बगैर आपका काम नहीं चल रहा था इसलिए मैं वापस आ गया हूँ और आपने तो अपनी नई असिस्टेंट को जॉब से भी निकाल दिया है। यहाँ पे ये सुन के मिस्टर टैंग थोड़े परेशान होते हैं उसके लिए और कहते हैं जरा पता करो वैसे वो लड़की है कहाँ, आज आई नहीं है। ये बात सुन के वो असिस्टेंट कहने लगता है बॉस को उनकी चिंता भी है लेकिन जताते भी नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वेंगली को बांध के रखा होता है चेयर से मिस्टर टैंग की मॉम और जीजी ने। यहाँ पे जीजी कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारा फेस खराब कर दूँ तो कैसा रहेगा, फिर तुम भी मेरी तरह बदसूरत नजर आओगी, तुम्हें मारने के चक्कर में देखूँ मेरा फेस जल गया। यहाँ पे उसे कहती है वेंगली तुम पागल हो गई हो, ऐसी हरकतें मत करो। तो वो उससे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं पागल हुई हूँ क्योंकि तुमने हर चीज़ मुझसे छीन ली, जिन मूवीज़ में मुझे रोल मिलता उन्हें तुमने मुझसे छीन लिया। यहाँ पे उससे कहती है वेंगली वो सारी चीज़ें मुझे मेरे टैलेंट के कारण मिली थी। यहाँ पे वो उसे मारने की कोशिश करने लगती है लेकिन तभी टैंग की मॉम रोक देती है और कहती है अभी से कुछ मत करो क्योंकि इसके बदले
मुझे पैसे लेने हैं। वो यहाँ पे उससे कहते हैं कि जल्दी से इसका एक वीडियो बनाओ और पहुँचा दो मेरे बेटे के पास, ताकि वो हमें पैसे देने के लिए तैयार हो जाए। तो यहाँ पे वो लोग ऐसे ही करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर डैंको जो कि वेंगली को लेकर परेशान होते हैं, तो वो उसी के फ़ोन पर कॉल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर वो फ़ोन वो गुंडे उठा लेते हैं और कहते हैं तुम्हारी ये महबूबा हमारे पास है, अगर तुम्हें इसकी जान बचानी है तो हमें पूरे 100 करोड़ देने होंगे। यहाँ पर तुरंत ही मिस्टर डैंको परेशान हो जाते हैं ये बात सुन के। टैंग यहाँ पे अपने असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है कि जल्दी से पता लगाओ कि वेंगली कहाँ है, उसे किसी ने अगवा कर लिया है। तो असिस्टेंट इस काम में बिजी हो जाता है। यहाँ पे जिन गुंडों ने बांध के रखा होता है वेंगली को, तो वेंगली उन्हें एक्स्ट्रा पैसों का लालच भी देती है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम तुमसे क्यों, हम तो तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड से ही ज़्यादा पैसे ले लेंगे। यहाँ पे मिस्टर टैंग ने उनके पास काफ़ी सारे पैसे ट्रांसफ़र कर भी दिए होते हैं, लेकिन मिस्टर टैंग को देखते हैं जो कि सोचते हैं कि मुझे उस लड़की के बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो मेरे चक्कर में उसकी जान चली जाए। यहाँ पे जब पता चलता है टैंग की मॉम को कि उन्हें काफ़ी सारे पैसे मिल गए हैं, तो वो काफ़ी खुश होती है और ये देखकर कहने लगती है जी तुम्हारा काम हो गया है, अब मैं इससे अपना काम पूरा कर लूँ, मैं इसे जान से मारना चाहती हूँ। वो उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन तब तक असिस्टेंट के थ्रू मिस्टर टैंग को उस लोकेशन के बारे में पता चल जाता है, इसलिए मिस्टर टैंग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उन्हें ऐसा करने से रोकने लगते हैं, लेकिन वो गुंडे मिस्टर टैंग पे हमला करते हैं। मिस्टर टैंग उन सभी से फाइट करते हैं और जीजी को भी वेंगली से दूर कर देते हैं। यहाँ पे वो खोलने लगते हैं वेंगली को। वेंगली उन्हें देखकर कहती है कि मुझे लगा था कि शायद मैं आपको दोबारा नहीं देख पाऊंगी, लेकिन यहाँ पे वो गुंडे मिलकर उन पर फिर से अटैक करने लगते हैं। टैंग यहाँ पे उन सबसे फाइट करने लगता है। यहाँ पे वो गुंडे मिस्टर टैंग पे अटैक करने वाले होते हैं, तो वेंगली बीच में आ जाती है, जिससे कि वेंगली घायल हो जाती है। यहाँ पे उसकी कंडीशन देखकर मिस्टर टैंग एकदम से शॉक में जाते हैं, तो उन्हें पुरानी सारी यादें फिर से याद आ जाती है और वो फिर वेंगली से कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि मुझे सब कुछ याद आ गया है। ये बात सुन के वेंगली काफ़ी खुश होती है, लेकिन एकदम से बेहोश हो जाती है। मिस्टर टैंग ये देखकर चिल्लाने लगते हैं, तभी वहाँ पे असिस्टेंट काफ़ी सारे गार्ड्स को लेकर पहुँच जाता है, जो कि उसकी मॉम और जीजी को पकड़ लेते हैं। उसकी मॉम कहते हैं बेटा मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन मिस्टर टैंग किसी की बात नहीं सुनते हैं। उसके बाद आगे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पे बेहोश रहती है वेंगली। उसे कुछ समय बाद होश आता है, तो वहाँ पे टैंग रहते हैं। टैंग कहते हैं थैंक गॉड तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। वेंगली कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपको सब कुछ याद आ गया है। वहाँ पर डॉक्टर आता है और कहने लगता है अब आप खतरे से बाहर है, एक हफ्ते बाद आप घर वापस जा सकती हैं, लेकिन हाँ आपका जो बॉयफ्रेंड है आपसे बहुत प्यार करता है, 3 दिनों से ये यहीं पर बैठा है आपके पास। ये बात सुन के वेंगली बहुत खुश होती है। उसके पूरे 6 महीने बाद दिखाया जाता है वेंगली को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया जाता है। यहाँ पे उस अवार्ड को लेकर वेंगली काफ़ी खुश होती है, साथ में अपने बारे में सबसे शेयर भी करती है कि एक एक्सीडेंट के दौरान वो अपने आप के बारे में ही भूल गई थी, लेकिन फिर भी वो अपने पैशन अपनी एक्टिंग को करना नहीं भूली और उसने एक नए स्टार के तौर पर फिर से स्टार्टिंग की एक्टिंग की दुनिया में। और उस समय उसके हस्बैंड मिस्टर टैंग ने उसका साथ दिया। यहाँ पे वो उन्हें अपने पास बुलाने लगती है। तो यहाँ पे मिस्टर टैंग भी स्टेज पे आ जाते हैं, जहाँ पे वेंगली उन्हें हर चीज़ के लिए थैंक्स कहती है और प्यार से हक करती है और कहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है वो दोनों रात के समय में जब घर वापस आ रहे होते हैं, तो वेंगली कहने लगती है कि वैसे जीजी का क्या हुआ। मिस्टर टैंग कहते हैं कि वो वहाँ पे है जहाँ पे उसे होना चाहिए, वहाँ पे ही वो एक स्टार की तरह चमकती रहेगी। दिखाया जाता है जीजी को जो कि असल में जेल में होती है और वहाँ के वॉशरूम्स को क्लीन कर रही होती है और गुस्से में चिल्ला रही होती है कि वेंगली मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, लेकिन तभी एक पुलिस वाली लेडी उसे डांटने लगती है और कहती है कि अपना काम अच्छे से करो। और दोस्तों इसी मोमेंट पर ये ड्रामा फिनिश हो जाता है। गाइस प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा और